अच्छा बेटा, अब नेक्स्ट आपने शो करना है वन अपॉन एन सीक्वेंस को कन्वर्जेंट बाय डेफिनेशन, ठीक है। तो उसको करने का जो क्राइटेरिया है वो अच्छे से समझ लो, बिकॉज आगे आने वाले क्वेश्चंस वो मैं आप पे छोड़ दूंगी। आपने सबसे पहले लिखना होता है फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, मतलब एप्सिलॉन क्योंकि गिवन होता है हाउएवर स्मॉल, हम लिखेंगे गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो हाउएवर स्मॉल, चाहे जितना मर्जी छोटा एप्सिलॉन दिया हो, हम चूज़ करेंगे, वी चूज नेचुरल नंबर एम सच दैट, हम यहाँ पर नेचुरल नंबर ऐसा चूज करेंगे सच दैट एम जो है वो वन अपॉन एप्सिलॉन से बड़ा हो, ठीक है। अब एम नेचुरल नंबर एप्सिलॉन जितना मर्जी छोटा ले सकते हैं, तो मान लो आपने लिया हुआ है 0.01, आप इससे भी छोटा ले सकते हैं, ये सब समझाने के लिए कर रही हूँ, लिख के नहीं दिखाना। तो एप्सिलॉन मान लो है 0.01, तो वन अपॉन एप्सिलॉन बन गया 1/0.01, ये बन गया 100, तो नेचुरल नंबर 100 से बड़ा ले लो, एम ले लो आप 101, 102 कुछ भी ले सकते हो। तो आपने नेचुरल नंबर चूज़ कर लिया 1/epsilon से बड़ा, ठीक है। इट इम्प्लाइज उल्टा कर दो तो ये आ जाएगा epsilon से छोटा। नाउ फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, ये कहाँ से है मैं समझा देती हूँ। उल्टा करो, 1/n लेस देन इक्वल्स टू 1/m, 1/m इज़ लेस देन epsilon, ठीक है, मतलब 1/n epsilon से लेस हो गया। नाउ मॉड ऑफ ए एन, ए एन माइनस एल लेना होता है ना डेफिनेशन में, आपकी जो कन्वर्जेंस की डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो हाउएवर स्मॉल देयर एग्जिस्ट एम बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स सच दैट मॉड ऑफ ए एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, वी से कि ए एन एल को कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है, वी से ए एन एल को कन्वर्ज कर रहा है। तो हमने भी ये यहाँ पर ही किया, हमने गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो ले लिया हाउएवर स्मॉल, हमने एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करवा के दिखाना है, तो यहाँ पर हम खुद ही नेचुरल नंबर को चूज़ कर रहे हैं एम 1/epsilon से छोटा, क्योंकि क्वेश्चन हमें 1/n दिया हुआ है ना, तो 1/n के लिए 1/epsilon हमने चूज़ कर लिया नेचुरल नंबर उसके अकॉर्डिंगली, और ये डेफिनेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए सेटिस्फाई होनी चाहिए ये डेफिनेशन। तो हमने n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए पहले ये वैल्यू निकाल के रख ली, अब ये हम प्रूव करने जा रहे हैं आगे वाला पार्ट, मॉड ऑफ ए एन माइनस एल, ए एन की जगह आ जाएगा आपका 1/n, एल की जगह आ जाएगा आपका, क्योंकि जीरो को कन्वर्ज करता है ये तो पता ही है आपको, 1/n जीरो इज इक्वल टू, इतना बच गया, मॉड लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि पॉजिटिव होता है, 1/n एप्सिलॉन से लेस है वो आप ऑलरेडी ऊपर कह चुके हैं, बट ये 1/n जो है एप्सिलॉन से तब लेस होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, इट इम्प्लाइज जो सीक्वेंस है ए एन वो कन्वर्ज कर रहा है एल को, मतलब जीरो को, ठीक है। तो ये आपका प्रूफ हो गया, इसमें कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, बहुत ही ईजी था, मुझे नहीं लगा कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको ये डेफिनेशन आती है तो ये भी आता होगा। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन प्रूफ करना आ जाता है तो साथ में डेफिनेशन स्टेट कर देते हो तो बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, तो आप स्टेटमेंट दे दें तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है एन अपॉन एन प्लस वन, वैसे रफ पे पहले निकाल के देख लिया करो कि ये जो सीक्वेंस हमें दिया हुआ है ये किसको कन्वर्ज कर रहा है, कैसे निकालेंगे, सिंपली आप पुट कर दिया करो एन को इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी पुट करके निकाल लिया करो। अब इसको लिमिट सॉल्व करनी हो इन्फिनिटी पर तो एन को नीचे लेके जाना पड़ेगा ना, एन प्लस वन अपॉन एन, ये बनेगा 1/1/n, एन को इन्फिनिटी डाल दिया तो 1/∞ जीरो बन गया, तो ये 1 बन गया, ठीक है। इट मीन्स एन अपॉन एन प्लस वन कन्वर्ज कर रहा है 1 को, तो मतलब हमने 1 के लिए डेफिनेशन लगानी है, ये याद रखना है आपने, ठीक है। डेफिनेशन लगानी कैसे है, वैसे सेम फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो हाउएवर स्मॉल वी चूज अ नेचुरल नंबर m सच दैट m इज ग्रेटर देन 1/epsilon एंड 1/m इज लेस देन epsilon, पिछले की तरह ही पिछले वाला ही epsilon चलेगा, यहाँ हर क्वेश्चन में ये काम नहीं चलेगा, ये क्वेश्चन देख के आपको डिसाइड करना होगा कि चॉइस किस तरह की करनी है, ये जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाओगे आपको अंडरस्टैंडिंग बनती जाएगी, यहाँ पर भी यही चलेगा, ठीक है। अगेन वही स्टेप्स करने हैं, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, ठीक है, वी हैव वही आप प्रूव कर देना कि 1/n चाहे ना भी करो डायरेक्ट कर दो, ये ले लिया ए एन माइनस एल सॉल्व कर दिया, इतना आ गया, इतना आ गया, ये किससे लेस है 1/n से, क्योंकि डिनोमिनेटर ये बड़ा ये छोटा है ना, छोटा डिनोमिनेटर बट नंबर बड़ा होता है, 1/n लेस देन इक्वल्स टू 1/m होगा, यहाँ उल्टा करके अगर देखा जाए तो 1/m किससे लेस है फर्दर epsilon से, मतलब ये चीज़ epsilon से लेस आ गई फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, हेंस ये कन्वर्ज कर गया आपका 1 को, सीक्वेंस कन्वर्जेस टू 1, ठीक है। नोट 1, वी नो दैट ए एन माइनस एल इज लेस देन epsilon, इट इम्प्लाइज ए एन बिलोंग्स टू एल माइनस epsilon टू एल प्लस epsilon, ये कैसे आया, अगर आप ये ए एन माइनस एल लेस देन epsilon वाले मॉड को खोलोगे
तो बनेगा ए एन माइनस एल लाइज बिटवीन माइनस एप्सिलॉन टू एप्सिलॉन, ठीक है। तो ए एन को बीच में रहने दो, एल ऐड कर दो, इधर एल और एल कैंसिल हो जाएंगे, ये बच जाएगा। मतलब आपका ए एन जो है वो एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो ए एन बिलोंग्स टू एल माइनस एप्सिलॉन टू एल प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। इसके बाद ये नोट पूरा मैं अगली वीडियो में समझाती हूँ।